तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक नए वीडियो पर स्वागत है। और दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो मिलती है छात्रों को, उसके बारे में जो न्यूज़ आई हुई है वो आपको पूरा बताने वाला है उस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक देखिए, तभी आपका पूरा जो वीडियो समझ आने वाला, ठीक है। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पास पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ठीक है। दोस्तों जो पोस्ट मैट्रिक वाले हैं उनका जो छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रखें, ठीक है। और चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जो शिक्षा संबंधित जो न्यूज़ होते हैं वो डालते रहता हूँ, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। हाँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों जो स्कॉलरशिप की पात्रता रखते हैं, वे 2022-23 में मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारियों को भी बताया गया है कि स्कॉलरशिप के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही का काम ऑनलाइन वेबसाइट पर, दोस्तों यहाँ बात बता दूँ आप लोगों को, ये वेबसाइट है पर शुरू हो गया है, ठीक है। विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया है कि, और दोस्तों को बता दूँ इसका जो लिंक दिया है, जो मतलब वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और सीधा क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है तो आप लोग लैपटॉप से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वैसे मोबाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है, पर लैपटॉप से भरना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और कुछ भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा या फिर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के जो वीडियो होते हैं वो मैं चैनल पर डालते रहता हूँ, ठीक है। और लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, शुल्क शुरू हो गया। विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को NSP पोर्टल यानी कि scholarship os.government.in में आवेदन करना है, यानी कि जो